इन अवर कंट्री चूजन बाय द पब्लिक बाय द इलेक्शन। एक चुनाव की प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में तो हमें इलेक्शन के बारे में जानकारी मिल रही है कि वी आर हियर एट द इलेक्शन डे ऑफ हेड बॉय एंड हेड गर्ल इन फेम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल। आई एम निहारिका विद कैमरा वुमन महिमा टू कवर एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस इलेक्शन। आपको क्या लगता है आपने जिसे वोट दिया वही जीतेगा? हाँ। आपको उन पर पूरा ट्रस्ट है? यस। लेट्स डिस्कस विद रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर। सो हाउ दिस आइडिया कम्स टू योर माइंड? एक्चुअली इट इज वेरी रेगुलर प्रैक्टिस इन अवर कंट्री दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड लीडर्स इन अवर कंट्री चूजन बाय द पब्लिक बाय द इलेक्शन ओनली। सो इट इज वेरी यूजुअल थिंग फॉर अस। सो देयर इज आई डोंट थिंक दैट इट इज लाइक ए रॉकेट साइंस फॉर मी और फॉर यू फॉर ऑल। So it's a very, very, very common practice in our country. What are the benefits? The only benefit which I am thinking is that learning by doing. Suppose if you want to make any concept very much clear to the student, so we can teach them in a classroom by lecture method. Apart from this, we can give them a kind of project work, and this one can be a practice of learning by doing. So by doing all those things, a student will going to learn about that how election to be held in a democratic country, or how a democratic leader to be chosen by the public. This is what the benefit of. This is democratic election. This is what the benefit of this all activities. Okay, थैंक यू सर फॉर लेट्स डिस्कस विद सम गर्ल्स। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक यूनिक चीज़ है कि स्कूल में वोट्स वगैरह डल रहे हैं तो हमें इलेक्शन के बारे में जानकारी मिल रही है कि इलेक्शन किस टाइप से होते हैं और वोट कैसे डलते हैं। आप हेड गर्ल के चुनाव में खड़ी हुई हैं, आपको उस बारे में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं हेड गर्ल के चुनाव में खड़ी हुई हूँ और इससे मुझे ये पता चला कि इलेक्शन जो है वो कैसे होते हैं और जैसे जो नेता होने प्रचार किस टाइप से करते हैं। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जितना हो सकेगा उतना मैंने ट्राई किया है। वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर जो उन्हें में ऐसा लगता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए परफेक्ट हूँ तो वो मुझे वोट करेंगे। ओके, गुड लक। कैंडिडेट हीरामणि के साथ है और चलिए हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। हीरामणि, आपको खड़ा होकर कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है कि कैसे इलेक्शन होते हैं, उसमें कैसे क्या करते हैं, तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्टूडेंट आपको ही सपोर्ट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा उनको जो अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए कुछ कर सकता है वो उसे सपोर्ट करें। थैंक यू एंड गुड लक। मुझे बहुत अच्छा लगा हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव अपने स्कूल में जो आप लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये एक बहुत अच्छी पहल है जिससे सभी छात्र छात्राएं चुनाव की क्या चीज़ें होती हैं, एक चुनाव की प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में पूरी अच्छे तरह से संपूर्ण जानकारी उनको यहाँ पर मिलती है कि इनका लिस्ट में नाम कैसे आता है, उनके क्या क्या अधिकार होते हैं, कैसे उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, अपनी समस्या के समाधान के लिए किसके पास उनको जाना चाहिए, किन चीज़ों से लोगों को मिलना चाहिए। तो एक बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छा वे है जो हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव ऐसे सभी स्कूलों में ऑर्गेनाइज होकर रहना चाहिए। सर, अगर हमारे पूरे देश में इलेक्शन होते हैं और इसमें क्या आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है, उसी पहल पर उसी जैसा हमने पूरा डेमो रखा है, उसी के जैसा ही पूरा एक प्रोसेस होती है। चुनाव का क्या चिन्ह होना चाहिए, प्रचार प्रसार के लिए जाना चाहिए, उसमें उनको क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे अपने इलेक्शंस के बारे में उनको बताना है, कैसे उनको समझाना है, वो सारी चीज़ें हमारे जितने भी लीडर्स खड़े हुए हैं उन सब चीज़ों को बिल्कुल करा। थैंक यू।